राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में हिट एंड रन मामले में 21 साल की होनहार बेटी की मौत के 21 दिन बाद परिजनों ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। थाने से लेकर हर उम्मीद वाले दरवाजे तक भटकने को मजबूर है। मृतका के परिजनों ने बताया कि वो बेटी अपनी बेटे को न्याय दिलाने के लिए कई अधिकारियों से गुहार लगाई है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि फॉरेस्ट अधिकारी की पत्नी होने के कारण तेलीबांधा पुलिस ने हिट एंड रन की धाराओं में केस दर्ज ना कर मामूली धाराओं में मामला दर्ज करते हुए थाने से ही जमानत दे दी। इस दौरान मृतका के परिजनों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। थाना तेलीबांधा अंतर्गत एक युवती की एक्सीडेंट से मौत हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी जो महिला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में एक 21 साल की जो युवती है उसको एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उसके बाद जो है एक गाड़ी चालक जो था वो मौके से फरार हो गया। उसके बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से गाड़ी को दूसरे थाना जो खमाड़ी इलाके का थाना है वहाँ पे ले जाके खड़ी कर दी जाती है। उसके बाद जो है जो तेलीबांधा थाना पुलिस ने उसमें हिट एंड रन का मामला ना दर्ज करके एक मामूली सा सड़क हादसे की में मौत का एक मामला दर्ज किया। किस तरीके का एक दर्द जिंदगी भर के लिए एक रह गया है, तो किस तरीके का इंसाफ आप चाहते हैं? अब मेरी बच्ची श्रेष्ठा सतपथी दवाई लेने के लिए निकली थी और 20-25 मिनट हो जाने के बाद जब नहीं आए, हम फ़ोन किए तो हमें दूसरे ने फ़ोन उठा के बताया कि आप अस्पताल आ जाइए। तब हम अस्पताल पहुँचे तो देखे कि हमारी बच्ची ऑलरेडी उसमें मृत घोषित कर दी गई है। और ये जानकारी प्राप्त हुआ कि सर्विस रोड पे एक रॉन्ग डायरेक्शन में तेज़ गाड़ी चलाते हुए एक लेडी मेरी बच्ची को कुचल के चली गई। पता चला कि उनको जो है हिट एंड रन की केसेस उनके ऊपर नहीं लगाया गया है, और ये भी पता चला कि उनको गाड़ी को भी छोड़ दिया गया और वो जमानत पे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें सही न्याय मिले। उसमें ये जो बात सामने आई थी कि वो एक बड़े अधिकारी की कोई पत्नी या कोई रिश्तेदार थी, तो पता चल पाया कि वो कौन थी, किसकी रिश्तेदार थी? हमें ये पता चला कि वो प्रशासन अधिकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे पदस्थ हैं, उनकी पत्नी हैं। हमारे साथ जो श्रेष्ठा है उनकी माताजी भी साथ में। किस तरीके का न्याय चाहते हैं बाप? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को कम से कम ये पता चले वो लेडी को कि कैसे वो मार के चली गई। कम से कम पहुँचा देती तो 10 मिनट पहले अगर मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुँच जाती तो शायद हम उससे मिल पाते, उससे बच पाती। अब देखने वाली बात ये होगी कि श्रेष्ठा के जो माता पिता हैं उनको इंसाफ कब तक मिल पाता है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।